Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एमका और तेजस मार्क 2 के इंजन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमने लास्ट वीक ही रिपोर्ट किया था कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जी के ऑफिशियल से मिल रहे हैं और ऐसा मोस्ट सर्टेन होने जा रहा है कि एमका और तेजस मार्क 2 का इंजन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एमका की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वहीं पे अब तेजस मार्क 2 भी मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी भी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाल ही में नई मीटिंग की है जी के ऑफिशियल से, और इस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि जी के ऑफिशियल्स ने एक नए इंजन का प्रपोजल रखा है जो कि प्रीवियसली जी द्वारा निर्मित 414 INS 6, जो कि अपने ड्राई स्टेट में 57.8 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप कर रहा था और अपने वेट स्टेट में, मतलब आफ्टर बर्निंग स्टेट में, 97.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप कर रहा था। तो इसको अभी हाल की ही मीटिंग में जी के ऑफिशियल ने एक प्रपोजल रखा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक कन्वे किया है कि वो इस इंजन को एनहेंस करके देंगे और इस इनहेंसमेंट में जो आफ्टर बर्निंग स्टेज में फ्यूल की बर्निंग होती है उसको कहीं ना कहीं 0.5 से लेकर 2% तक बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से इसका जो थ्रस्ट इन्हेंसमेंट है वो बढ़ जाएगा और अपने ड्राई स्टेट में ये डेवलप करेगा 64.8 किलो न्यूटन और अपने वेट स्टेट में ये डेवलप करने जा रहा है 116 किलो न्यूटन, जो कि एक ऑप्टिमल थ्रस्ट होगा मीडियम वेट कैटेगरी फाइटर और एमका दोनों के लिए। और इस प्रपोजल के थ्रू जीई ये इंश्योर कर रही है कि इंडिया का जो भी कंप्लीट इंजन डील है मीडियम वेट कैटेगरी फाइटर और एमका, जो कि कहीं ना कहीं तकरीबन 800 से लेकर 1200 इंजन के बीच में आने वाला है, उन सभी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए तो उन सभी डील को एक ही बार में सील कर दिया जाए, अभी यही जीई के प्लानिंग में चल रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 2010 में तेजस मार्क 2 के लिए इंजन प्रोवाइड करने के लिए जी के 414 ने तकरीबन 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। तो यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या जी जो कह रहा है कि वो इन्हेंस कर देगा प्रीवियसली जी 414 को, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि उन्होंने पास्ट में किया है। जब उनको बोला गया था कि एलसी तेजस के लिए इंजन प्रोवाइड किया जाए, तब उन्होंने जी के 404 इंजन में इन्हेंसमेंट करके उसकी थ्रस्ट 5 किलो न्यूटन से ज़्यादा बढ़ा के एलसी तेजस का जो प्रोटोटाइप था उसके लिए इंजन तैयार करके दिया था, जैसा कि आप अभी इस टेबल में देख रहे होंगे। और इस मीटिंग में ADA के ऑफिशियल और जी के ऑफिशियल ने पार्टिसिपेट किया है और जी के ऑफिशियल ने यह भरोसा दिलाया है कि जो 18 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे इस इन्हेंस्ड इंजन में, वो इस इन्हेंस्ड इंजन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कोर है, उसको डिस्टर्ब किए बिना ये थ्रस्ट डेवलप करके देंगे। उसका जो डायमेंशन है, जो साइज है, उसमें स्लाइट डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ADA के ऑफिशियल अग्री कर गए हैं और उनका मानना यह है कि इन फ्यूचर ऐसे इंजन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी और अपने हिसाब से इन इंजन में हम थ्रस्ट वेक्टरिंग इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और अपने अकॉर्डिंग इंजन को अपग्रेड करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या फिर अदर मॉडिफिकेशंस को लेके हो, तो इन सभी चीज़ों पे वार्ता चलने वाली है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। देखने वाली बात होती है कि ये पूरी डील जो कहीं ना कहीं 1000 इंजन के आसपास की होगी, ये कैसे पैन आउट होता है इंडिया के लिए। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।